नगर निकाय चुनावों के आते ही प्रत्याशियों ने जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनको लुभाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 62 के कांग्रेसी प्रत्याशी गोविंद बघेल नामांकन करने के बाद अपने वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद बघेल ने कहा कि भरपूर तरीके से जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसका परिणाम चुनाव परिणाम के आने के बाद आपको खुद ही दिख जाएगा। आप देख रहे हैं भरपूर तरीके से जिस तरीके से जनता आशीर्वाद दे रही है, उसकी जो उसका परिणाम जब आएगा आपको फिर से ही पता चलेगा कि कितना आशीर्वाद मिलाएंगे। आपके सामने भाजपा के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कितनी जीत मानते हैं और कहाँ तक सफलता मानते हैं अपनी? देखिए, हार और जीत तो मतदान के बाद ही पता चलेगी, न्यूज मीडिया खुलेंगी, पर जिस तरीके से आज मैं जनमानस में आशीर्वाद मुझे इतना मिल रहा है कि पूर्णतः बता रहा हूँ कि मेरी जीत निश्चय जनता ने अभी। किन किन मुद्दों के लिए क्या चुनाव मैदान में निकले? पानी, बिजली, सफाई, ये मुद्दे तो एक ऐसे होते हैं जनरली। उसके अलावा हमारे ब्रज में और ब्रज में खासतौर पर बिंदार एक धार्मिक नगरी के ऊपर विश्व प्रकाश है, उसमें आप देख रहे हैं कि यातायात प्रमुख एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा बंदरों की समस्या है। बंदरों की समस्या के लिए निगम में अब तक वृंदावन से किसी व्यक्ति ने धरातल पर आकर कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि आवाज उठेगी, जिससे कि यहाँ निगम में हम लोग अपने आप को बचा सके बानरों से। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं, आप यहाँ खड़े हुए हैं, अगर आपको यहाँ से मथुरा जाना पड़े तो आप पहले वृंदावन में आपको इतना टाइम लग जाएगा कि मथुरा तो आप बाद में पहुँच पाएंगे।